हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय पुष्पा ब्यूटी टिप्स। आज मैं आप लोग को बताने आई हूँ कि आपका ओपन पोर्स, जो स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं, उसे आप हमेशा के लिए क्लोज्ड करके आप अपने स्किन को स्मूथ कैसे दिखाइएगा, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज ओपन पोर्स क्लोज करने का तरीका बताने आई हूँ। बहुत सारी लेडीज लोग को आप देखते होंगे, काफ़ी सुंदर होती है लेकिन फेस पे काफ़ी बड़े बड़े ओपन पोर्स होते हैं जो उनकी खूबसूरती को कमी ला देती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ ओपन पोर्स होता कैसे है और क्यों होता है, ठीक है। तो ओपन पोर्स जो होता है ना, वो एजिंग के कारण भी होता है, ठीक है। जिसके एज होने लगते हैं, थोड़ा 30-40 प्लस होने लगते हैं, तो वो उसके स्किन में ओपन पोर्स होने लगता है, ठीक है। वो नेचुरल तरीके से होता है, ठीक है, वो सभी को नहीं होता है। दूसरा रीज़न ये है कि जिसको अपना स्किन केयर नहीं करता है। बहुत सारी लेडीज हैं जिन्हें स्किन केयर रूटीन के बारे में पता ही नहीं है। वो डेली काम करती हैं लेकिन वो अपने स्किन का केयर प्रॉपर तरीके से नहीं करती है, क्योंकि उनको इतना नॉलेज ही नहीं होता है कि वो अपने स्किन का केयर करे तो कैसे करे, जिसके कारण बहुत ही जल्दी उनके स्किन के ओपन पोर्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न यही है। तीसरा रीज़न है कि ज़्यादा सन के कांटेक्ट में आप रहिएगा तो आपके स्किन का ओपन पोर्स बड़े होना ही होना है, क्योंकि आपको जितने आप सन और पोल्यूशन में रहिएगा, आपके फेस में डर्ट जमा होंगे और आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बहुत लोग को तो आप देखिएगा कि 30 प्लस में ही स्किन पे ओपन पोर्स हो गया है। वो क्यों हो गया? क्योंकि वो अपने स्किन का डेली रूटीन केयर नहीं किया। आप अगर चाहती हैं कि आपके स्किन का ओपन पोर्स नहीं हो, चाहे वो किसी भी एज हो, चाहे वो 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, और आप अपने ओपन पोर्स अपने स्किन पे नहीं होना देना चाहती हैं, तो आपको रेगुलर आपको अपने स्किन का स्किन केयर रूटीन अपनाना पड़ेगा। मैंने अपने पहले वीडियो में स्किन केयर रूटीन का वीडियो डाली हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है, कि स्किन केयर रूटीन कैसे करते हैं, ठीक है, जिन्हें नहीं पता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ती हूँ, बताती हूँ कि ओपन पोर्स जिनको हो गया वो परमानेंटली क्लोज्ड कैसे करें। तो उसके लिए उनको लेना होगा कुकुम्बर और रोज वाटर, ठीक है। कुकुम्बर के कुछ स्लाइसें लें, रोज वाटर लें और उसे मिक्सी में ग्रेट करके उसको आइस क्यूब की तरह डाल दे, जमने दे दे ओवरनाइट, ठीक है। क्योंकि कुकुम्बर में वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके जो रोम छिद्र होते हैं उसे क्लोज करते हैं। दूसरा चीज है मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर। मुल्तानी मिट्टी को रोज वाटर में मिक्स करके थोड़ा पतला लेयर थिन प्लेट बनाए और उसे आइस क्यूब की तरह आइस क्यूब में डालकर जमा लें, रात भर ओवरनाइट में आप फ्रिज में रख दें, ठीक है। तीसरा चीज़ है आपको ग्रीन टी। जी हाँ दोस्तों, जो हम लोग मॉर्निंग में खाली पेट ग्रीन टी पीते हैं, उसे आप नॉर्मल जैसे चाय बनाते हैं उस तरह से पानी गर्म करें और उसमें ग्रीन टी डालें, और जब वो ठंडा हो जाए तो उस पानी को छानकर आप आइस ट्रे में रख कर रात भर ओवरनाइट छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका स्किन एकदम, क्योंकि जो ग्रीन टी होता है वो आपके ओपन पोर्स को बंद करने कम्प्लीटली बंद करता है और आपके स्किन को ग्लोई दिखाता है, जितने भी डैमेज सेल्स हैं उसको रिपेयर करता है, ठीक है। और चौथा हुआ टमाटो, ठीक है। टमाटो को आप प्यूरी बना लीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर उसे हल पतला लिक्विड बना लीजिए और उसे आइस क्यूब में डालकर आप उसे पहले तो आप ये कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं कुछ बनाई हूँ आइस क्यूब, देखिए इसमें मुल्तानी मिट्टी का भी ये है, ये मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है, और ये है ग्रीन टी का, ठीक है, ग्रीन टी का आइस क्यूब्स, ये है मुल्तानी मिट्टी का, और ये देखिए ये कुकुम्बर जूस का है और ये टमाटो जूस का। मैं हमेशा बना के रखती हूँ, आप मेरे फेस पे एक भी ओपन पोर्स नहीं देखिएगा, ठीक है। उसे आपको करना क्या है, जब आप ओवरनाइट आप रख दीजिएगा, आप एक बार बना लीजिए, आपको 10 दिन तक आप इसे यूज कीजिए। एक इस तरह से आप इसे निकालिए, ठीक है, ये रबर का आइस ट्रे है तो काफ़ी आसानी से निकल जाता है, ठीक है। देखिए इसका, इसमें चॉकलेट भी बनता है, देखिए कितना सुंदर आइस क्यूब हुआ, देखिए चॉकलेट गुलाब की तरह लग रहा है ना दोस्तों,
तो आप जो चीज़ देखने में सुंदर लगता है ना, तो लगाने में भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे फ्लावर शेप में डाली हूँ कि इसे लगाऊँ तो मज़ा आ जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर खाना देखने में अच्छा रहता है तो खाने में भी मन करता है कि मैं इसे खाऊं। अगर खाना कितना भी टेस्टी हो और देखने में सुंदर नहीं है तो कोई खाना नहीं चाहता है। तो वही बात है लगाने में भी दोस्तों, सभी का अपना अपना चॉइस है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अगर आपका ये देखिए इस तरह का फ्लावर टाइप का हो गया मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर का, तो मुझे बहुत पसंद है कि मैं लगाऊँ तो अच्छा लगता है। तो आइस आपकी स्किन को परमानेंट टाइट करता है, ओपन पोर्स को क्लोज करता है, आपके स्किन को अंदर से ग्लेज करता है, आपकी स्किन के जितने भी दाग धब्बे हैं उसे। आइस बहुत ही फेस के लिए बेनिफिशियल है दोस्तों, उसमें कुछ मिक्स कर दीजिए तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे आपके स्किन के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से आइस क्यूब ज़रूर बनाइए, और एक आइस क्यूब आप सुबह और एक शाम आपको जब भी टाइम मिले आप इसे निकालिए और इसे रब कर लीजिए। इसमें आपको कोई मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मुल्तानी मिट्टी का था दोस्तों, और मैं दूसरा क्यूब्स आपको दिखाती हूँ। देखिए ये क्यूब्स है आपको ग्रीन टी का, ठीक है। कितना सुंदर फ्लावर हुआ ना दोस्तों, तो वही कहते हैं कि लगाने में मज़ा आता है। इस तरह से रख कीजिए, एकदम आपका तुरंत का तुरंत इफेक्ट दिखेगा, आपका स्किन एकदम टाइट हो जाएगा, ओपन पोर्स तुरंत बंद हो जाएंगे। तो ये मैं ट्रे अमेजन से मंगाई हूँ दोस्तों, तो आप लोग भी इसे ज़रूर मंगाइए। देखिए इसमें कितना सुंदर सबसे आपको बन जाएगा इस तरह का, ठीक है। और लगाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा इस तरह का, आप इसमें चॉकलेट्स भी बना सकते हैं। मैंने कि आइस क्यूब्स जो होते हैं जिस ट्रे होते हैं तो उतने आसानी से नहीं निकलते, इसमें आप आराम से इसे इस तरह से अपोजिट कीजिए और आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत सुंदर सुंदर शेप देखने को मिलता है। देखिए इसमें ये चॉकलेटी हुआ आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप हर तरह का शेप आप यूज कीजिए, आपको अंदर से भी खुशी होगी। आज जब कहते हैं ना कि जब अंदर से खुशी होती है तो फेस पे अपने आप शाइनिंग आ जाती है, तो आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। और ये टमाटो प्यूरी का और कुकुम्बर प्यूरी का मैंने इसमें जमाया है, देखिए कितना हार्ड है, इसे निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, देखिए निकलने में बहुत प्रॉब्लम। वही है वो रबर का ट्रे है तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ठीक है। चलिए बातों को आगे बढ़ाती हूँ, तो बताती हूँ कि कैसे कैसे आपको जो मुल्तानी मिट्टी होता है ना दोस्तों, वो आपके एक फेस के जितने भी एक्सेस ऑयल है उसे रोकता है, ठीक है। तो आपके एक्सेस ऑयल को कम करेगा, और चूंकि वो ठंडा हो जाता है आइस क्यूब की तरह हो जाता है, तो जो आइस होता है वो हमारे फेस को परमानेंटली टाइट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आइस को आप रेगुलर लगाइएगा तो आपका सनबर्न भी नहीं होगा, और आपके फेस के जितने भी दाग धब्बे हैं वो भी हटेंगे, और आपका स्किन अंदर से ग्लेज भी करेगा, और आपको फेशियल कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी तरह का आपको रिंकल्स नहीं आएंगे, फाइन लाइंस नहीं आएंगे, आपका फेस ऑटोमेटिक ग्लो करेगा। और इसे लगाने में भी बहुत ही आसान है, आप इसे एक बार आइस क्यूब बना के रख दीजिए और 10 दिन तक आप आराम से यूज कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे ये लगा, मतलब थोड़ा सा रब कीजिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लीजिए, ठीक है। कितना आसान है, और आपका फेस भी बहुत ही सुंदर और रिफ्रेश हो जाएगा। आपके जितने भी स्किन के ओपन पोर्स हैं दोस्तों, अगर आप इसे कंटिन्यू रखिएगा ना, तो आपकी जितने भी ओपन पोर्स हैं 100% गारंटी है वो सभी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर अपनाइए दोस्तों। मैं भी हमेशा यूज करती हूँ, तो मेरे बहुत लोग बोलते हैं आपके इतने ग्लेज फेस कैसे करते हैं, तो यही राज है दोस्तों, आप लोग भी इस्तेमाल कीजिए। और गर्मी के दिन में आपको अगर पार्टी में जाना है, मेकअप करना है, तो सबसे पहले एक आइस क्यूब लीजिए, कोई भी टमाटो वाला लीजिए। टमाटो भी आपके फेस के ऑयल को कंट्रोल करता है, आपके फेस को ब्राइट बनाता है, दाग धब्बा हटाता है, बहुत सारे बेनिफिट है। और एक तो बर्फ भी हो गया तो आपके फेस को बहुत देर तो बहुत समय तक कूल भी रखेगा, तो आपका मेकअप भी बहुत देर तक टिका रहेगा, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपके 100% गारंटी देती हूँ दोस्तों। आपके इसे इस्तेमाल करने से आपके जितने भी ओपन पोर्स है वो हमेशा के लिए छोटे हो जाएंगे, आपके स्किन एकदम स्मूथ दिखने लगेंगे। और दूसरी बात है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ज़्यादा धूप के कॉन्टैक्ट में ना रहें, सन अगर बाहर जाती हैं तो ज़रूर से सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, ठीक है। और जैसे खाना
बना रही हैं तो खाना बनाने के बाद फेस को ज़रूर क्लीन करें। तो इस तरह से अगर आप अपने स्किन का डेली रूटीन केयर कीजिएगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा ओपन पोर्स का, ठीक है। ओपन पोर्स का प्रॉब्लम भी नहीं होगा और रिंकल्स का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कितना भी आपका एज हो जाए लेकिन वो आप बर्फ लगाइएगा तो आपका स्किन बेबी सॉफ्ट रहेगा। बहुत ही चमत्कारी गुण इसे कह दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और सबसे बड़ी बात है कि आप काफ़ी रिलैक्स फील कीजिएगा। जितना भी थकान रहता है वो आइस क्यूब लगाने से काफ़ी रिफ्रेश फील करता है आदमी, कितना भी थका हुआ रहे। और उसमें लगाने में भी मेहनत नहीं है दोस्तों, बस आइस ट्रे फ्रीज से निकालिए और आइस निकालिए और अपने फेस पे रब कीजिए। आपका स्किन एकदम तुरंत एक मिनट में आपको लगेगा कि आप फेशियल करवा कर आई हैं, एकदम रिफ्रेश लगेगा। और थोड़े दिन के बाद आपसे आपके हस्बैंड या आपके फ्रेंड्स लोग भी पूछने लगेंगे कि आप क्या लगाती हो। तो इस टिप्स को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, ओपन पोर्स की समस्या बहुत लोगों को होती है। इसलिए आप अपने ओपन पोर्स को क्लोज कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है ना कि मैं ज़्यादा बोलती रहती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा गला सूखने लगता है, इसलिए इसे आप माइंड मत लीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।